तो गाइस अभी हम आए हैं राजस्थानी खाना खाने। तो ये एक इकलौता राजस्थानी खाना दिख रहा है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे तवा रोटी और सारी चीज़ें हैं। आपको अंदर का एक व्यू दिखाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। जैसे ही खाना आता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है और अभी हम हैं यहाँ के एक तरह से आप बोल सकते हो मेन मार्केट में, और यहाँ पे हम खा रहे हैं अभी गोलगप्पे। तो गोलगप्पे ट्राई करते हैं लोकल कैसे मिलते हैं अंडमान निकोबार में। और ये और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ये सामने लोग वो कर रहे हैं कैरम, वो कैरम खेल रहे हैं। और इस तरह के इतने सारे बहुत जगह आपको दिख जाएगा लोकल में आपको इस तरह की चीज़ें बहुत जगह दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके एक साथ कैरम खेल रहे हैं बहुत सारे, ये बेनिफिट है। मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर एक बार अभी और दिखाते हैं आपको आज यहाँ की लोकल चीज़ें। মূলত বিষয় হচ্ছে দাদা, আমি একটা কর্ম নিয়ে আপনাদের এখানে এসেছি। মূলত ব্যাপার হচ্ছে কি জানেন, খেতে না দিতে পারে লাথি মারার চেষ্টা করবে। জিনিসটা সম্পর্কে একটু দেখাই, ভালো লাগলে নেবেন, ভালো লাগবে না নেবেন না। तो गाइस जहाँ पे हम अपन खड़े हैं, दिस इज़ द ओनली सोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है पूरे हैवलॉक को। और ये पूरा पूरा पूरे आइलैंड पे बिजली यहीं से जाती है, ये सामने
और ये जितना ये जितने सारे जनरेटर से हैं ये डीजल से चलता है और डीजल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और पूरे हैवलॉक आइलैंड को प्रोवाइड करते हैं यहाँ से। तो ये आप देख पा रहे हो ये 2400 घंटा चलता रहता है डीजल से। ये पावर हाउस है यहाँ का और यही पूरा प्रोवाइड कराता है पूरे हैवलॉक पे बिजली। मैं नहीं जा सकती यार स्कूटर। सो गाइस ये रात को तो अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा यहाँ पे, पर फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। ये देखिए कितने सारे बोट यहाँ से लाइन से खड़े हुए हैं, बहुत सारी बोटें हैं, इसमें स्पीड बोट और वो बहुत सारे वैरायटी वाले बोट हैं। तो यहाँ से क्या है कि यहीं से जो एलिफेंटा बीच के लिए लोग जाते हैं स्पीड बोट से, यहीं से सामने से रास्ता है इधर आगे से। तो आज अब ड्यू टू मौसम कुछ ख़राब चल रहा है इसीलिए गवर्नमेंट ने बंद किया है, इसीलिए हम एलिफेंटा जा नहीं पाए। वरना अगर एलिफेंटा जाना होता तो हम यहीं से स्पीड बोट पकड़ते और सीधा एलिफेंटा बीच में जाके वाटर स्पोर्ट करते, बट अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पाए इस बार क्योंकि मौसम बहुत थोड़ा ख़राब था यहाँ पे। ये देखिए सामने सारे व्यू आ रहे हैं मस्त। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल परकी फ्यूजन। और आज का दिन है हमारा यहाँ से प्रस्थान करने का, और अभी एक बार हम सुबह हो गया है, नाश्ता वास्ता कर लिया है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा दूर चलते हैं बीच की तरफ। और एक बार आपको लास्ट आज का इस जर्नी का जो हमारा ट्रिप का है वो एक बार दिखाते हैं आपको। पिछले 3 दिनों में पहली बार धूप रखी कड़की जो दिख रही है हमें, अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार आपको आगे का व्यू दिखाते हैं उस तरह का। सो गाइस अभी बज रहे हैं 8:45 और अभी 15 मिनट के बाद हमें निकलना है यहाँ से क्रूज़ के लिए। सो हमने सोचा कि चलो एक बार रिजॉर्ट के बाहर जो बीच है उसके एक बार घूम के आए वहाँ से। और आज का क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर एक दिन आपको जो चेंजेस है ना उसके पानी के लेवल में चेंजेस होते रहेंगे और आपको दिखते रहेंगे वो। अभी पानी लेवल ऊपर आ गया है, देखो यह थोड़ा सा आ गया है, कल तक ये बहुत नीचे तक था, ये आगे तक था वहाँ से स्टार्ट होता था। अभी आज देखो ये कितना आगे तक आ गया है। स्टनिंग व्यू है यहाँ की, हमेशा आपको अमेज करेगा ये चीज़ें जब भी आओगे आप। और ये व्यू है जो बहुत ब्यूटीफुल है, आप अंदर बैठ के आराम से, अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है और ठंडा है इसलिए और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए तो गाइस चलते हैं वापस यहाँ से, अब थोड़ी देर में वापस निकलते हैं और फिर आगे की आज पूरी जर्नी दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या किया। आपको एक चीज़ बताऊँ, जन्नत है, जन्नत बोल सकते हो आप इसको। और यहाँ पे इंडिया की बेस्ट स्कूबा क्लासेस होती है, स्कूबा के लिए वर्ल्ड फेमस है ये भी। और इतने हमने तो स्कूबा नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली कुछ कारण से, बट जो व्यू है और जो हमने स्नॉकलिंग की वो अल्टीमेट लगा, अल्टीमेट फन था। उसके अलावा हमने भी बहुत सारी चीज़ें की जो एक्सप्लोर किया पूरा आइलैंड को। छोटा सा आइलैंड है, 18,000 लोग रहते हैं यहाँ पे, 18,000 लोगों में। और ये है कि आप 2 दिन में आराम से पूरे मस्ती से पूरे टाइम से 2 बार इधर 2 बार उधर सारे बीचेस घूम पाओगे, सारी चीज़ें देख पाओगे। ये पूरा जो एरिया है सारे रिजॉर्ट और बीच रिजॉर्ट है, सारे बीच रिजॉर्ट से यहाँ से लेके 3 किलोमीटर आगे और इधर से 3 किलोमीटर पीछे तक। अब मान के चलो इसमें मल्टीपल आपको चीज़ें मिल जाएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये सारे। शाम को आपको दिखाई था कितना सुंदर लग रहा था ये। अभी हम वापस चलते हैं फिर दोबारा, एंड जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वो आपको एक बार दिखाते चलेंगे।
गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये देखिए, और ये रही हमारी क्रूज। अरे नीला समंदर इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, और यहाँ पे सारी स्पीड बोट खड़ी है जो रात को हम अपन आए थे, ये वही वाला जगह है। और ये सामने नॉटिका की नॉटिका आ गई, मैक्रूज अलग है। यहाँ पे तीन जो प्राइवेट है वो गवर्नमेंट के अलावा, प्राइवेट के अलावा तीन चलती है, एक नॉटिका है, मैक्रूज और एक और कोई दूसरी है। तो ये नॉटिका आ गई, मैक्रूज अभी इधर उधर आसपास होगी, अभी चलते हैं। और वो गाइज ये देखिए कितनी मछलियाँ दिख रही हैं यहाँ पे। आई डोंट नो आपको दूर से दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर बहुत सारी मछलियाँ घूम रही है सामने। तो गाइज हमारी सामने ये मैक्रूज आ गई जिस पे हमें बोट करना है। ये तो दूसरे की है, नॉटिका की है, बट ये सामने मैक्रूज है, इसमें हमें जाना है। और ये भी बस आ ही चुकी है, आई थिंक यहाँ 10 बजे से निकलेंगे और भर गए। ये रही हमारी मैक्रूज। तुम तो बोल रही थी बनाओगे नहीं। गाइज अभी क्रूज स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और अभी हम जा रहे हैं नील आइलैंड। वैसे जाना तो हमें है पोर्ट ब्लेयर, बट ये क्रूज अभी पहले नील आइलैंड जाएगी और उसके बाद जाएगी पोर्ट ब्लेयर के लिए। ये बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड दिखते रहेंगे आपको, बहुत सारी सुंदर ब्यूटीफुल चीज़ें दिखते रहेगी। यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है सामने आइलैंड। बहुत सारे ऐसे भी आइलैंड हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ पे बहुत सारे खाली है, कोई कुछ नहीं रहता, बहुत ही आई थिंक 1% ही आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं यहाँ पे, ये है। बट ये ऐसे आपको बीच बीच में बहुत सारे इस तरह के आइलैंड और सारी मिलते रहेंगे, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो गाइस ये है सामने नील एंड, इस बार तो हम जा नहीं पाए, अगली बार पक्का ट्राई करेंगे जाने के लिए। तो अभी हमारे ये है कि यहाँ पे नील एंड पे रुकी हुई है और ये लोग आ रहे हैं अभी। तो आगे ये भी बहुत सुंदर आइलैंड है। बहुत तेज वेव है गाइस और बहुत ही बोट हिल रही है, ये कितने सारे लोग चिल्ला रहे हैं।